नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सांस्कृतिक दृष्टि से गंगा नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख पर्वत के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है, जहाँ पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इसी प्रदेश में बहने वाली अलकनंदा नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, जो हिमालय को काटकर सकरे गार्ज का निर्माण करती है तथा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। यहीं से दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड में ही सतोपंथ इमानी से होता है। अलकनंदा नदी के बाएं तट पर पिंडर नदी आके मिलती है। जहाँ पर यह नदी मिलती है वहाँ पर कर्णप्रयाग स्थल स्थित है। इसके अलावा अलकनंदा नदी के दाहिनी तट पर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार के पश्चात मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जहाँ से गंगा नदी प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर, उसके पश्चात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, उसके पश्चात पुनः पूर्व दिशा की ओर बहती हुई जब पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है तो यह पुनः दो शाखाओं में बट जाती है, जिसकी प्रमुख शाखा भागीरथी के नाम से बंगाल में प्रवेश कर जाती है, जहां उसे पहले पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात जब उसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है, और यह नदी मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इसके अलावा जो इसकी दूसरी शाखा होती है वह हुगली के नाम से जानी जाती है, जिसमें रांची पठार से निकलकर आकर बहने वाली दामोदर नदी मिलती है। अर्थात दामोदर नदी हुगली की एक सहायक नदी है। इसके पश्चात अब हम गंगा नदी के दाएं तट पर एवं बाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा हैं। इसके अलावा गंगा नदी के दाहिनी तट से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, कर्मनासा, सोन, पुनपुन इत्यादि प्रमुख सहायक नदियां हैं। सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के दाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है।
प्रारंभ में यमुना नदी गंगा नदी के पश्चिमी भाग में समानांतर बहती है, उसके पश्चात गंगा नदी के दक्षिण में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाकर यह गंगा नदी से मिल जाती है, जिसे प्रयाग स्थल के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली एक अन्य नदी टोंस यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कलसी के निकट यमुना नदी से मिलती है। इसके पश्चात यह विंध्याचल श्रेणी से निकलने वाली, या ये कहें कि यमुना नदी के दाहिनी तट पर आके मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियों में चंबल नदी है, जो इसके दाहिनी तट पर आकर उत्तर प्रदेश के इटावा में इससे मिलती है। अर्थात यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है वह टोंस है। इसके अलावा एक अन्य सहायक नदी जो इसके दाहिनी ओर से ही आकर मिलती है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। चंबल नदी की अन्य सहायक नदियों में बनास है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार पर स्थित जनावपाओं की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल के पश्चात यमुना नदी के दाहिनी तट पर आकर मिलने वाली अन्य सहायक नदियों में सिंध, बेतवा एवं केन है। तो इस प्रकार से गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, और यमुना की सहायक नदियों में टोंस है जो हिमालय से निकलती है, जो इसके बाईं तट पर मिलती है। इसके अलावा यमुना नदी के दाईं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन है। इसके अलावा गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली अन्य नदियों में सोन एवं करमनासा है। सोन नदी गंगा नदी के दाहिनी तट पर आकर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सोन नदी भी कहा जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के उत्तरी भाग से निकलती है, अमरकंटक के दक्षिणी भाग से नर्मदा नदी निकलती है, तथा यह अमरकंटक से निकलने के पश्चात पटना से पश्चिमी भाग में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। उसके पश्चात गंगा नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदी जो इसके दाहिनी तट पर आकर मिलती है वो है करमनासा नदी। करमनासा नदी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित कैमूर श्रृंखला से निकलती है, तथा चौसा के निकट गंगा नदी के दाहिनी तट पर आकर मिल जाती है। करमनासा नदी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य सीमा बनाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह नदी त्रिशंकु नामक दैत्य के मुख से निकलती है, जिसके कारण इसे अपवित्र एवं अशुभ माना जाता है, और इसका नाम उसी कारण से करमनासा रखा गया है। तो इस प्रकार गंगा नदी के दाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, सोन एवं करमनासा प्रमुख हैं। इसके अलावा पुनपुन नदी भी गंगा नदी के
दाहिनी तट पर आकर मिलने वाली एक अन्य प्रमुख सहायक नदी है। इसके पश्चात हम लोग गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है तथा यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ एवं जौनपुर शहर अवस्थित हैं। इसके अलावा दूसरी प्रमुख सहायक नदी घाघरा है। घाघरा नदी तिब्बत के पठार में स्थित मापचाचुंग हिमनद से निकलती है तथा नेपाल में इस नदी को कर्णाली के नाम से जाना जाता है। छपरा के निकट यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा की अन्य सहायक नदियों में शारदा, राप्ती एवं छोटी गंडक हैं। तो घाघरा नदी तिब्बत के पठार में स्थित मापुचाचुंग पर्वत हिमानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में शारदा, राप्ती एवं छोटी गंडक है। उसके पश्चात इसकी प्रमुख सहायक नदी जो तीसरी वो है गंडक नदी। गंडक नदी हिमालय से निकलती है तथा पटना के पूर्व में सोनपुर नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक के पश्चात गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कोसी है। कोसी नदी गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम नेपाल में सात नदी धाराओं के मिलने से होता है। इसकी मुख्य धारा अरुण है जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाईनाथ चोटी से निकलती है तथा यह बिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी से आकर मिलती है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है जिसके कारण इस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। उसके पश्चात है महानंदा नदी। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है तथा भारत में यह गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि गंगा नदी भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संयुक्त धाराओं के मिलने से बनती है जो हरिद्वार के पश्चात मैदानी भाग में प्रवेश करती है और इसके दाहिनी ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, सोन, करमनासा प्रमुख हैं एवं इसके बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा हैं, जिसमें से महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। इसके अलावा करमनासा नदी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य सीमा का निर्माण करती है। पश्चिम बंगाल में जब यह नदी प्रवेश करती है गंगा, तो ये दो भागों में या दो शाखाओं में बढ़ जाती है, भागीरथी एवं हुगली के नाम से। तो इस प्रकार
आज के इस वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र को विस्तार पूर्वक जाना। धन्यवाद।